बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम बरकत के साथ मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। बनाने जा रही हूं मैं आज शिमला मिर्च और कीमा। तो करते हैं स्टार्ट आज की रेसिपी। कीमा मैंने डाल दिया हुआ है एक खुले से बर्तन में। ऐड करेंगे इसमें कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 1/4 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसको करेंगे अच्छा सा फ्राई और साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साबुत गरम मसाला जाएगा इसमें 1/2 चम्मच, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको कवर करेंगे और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो साथ ही हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी इसको हम 5 मिनट तक कवर करते हैं। सब चीज़ों की कीमे में अच्छे से बनाई हो गई है। प्याज टमाटर हरी मिर्चें अच्छे से हमने भून लिए हैं। ऐड करेंगे इसमें अब बिल्कुल सिंपल सी स्पाइसी, हल्दी जाएगी इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच, इसमें ऐड करेंगे इसमें सुरख मिर्च जाएगी इसमें 1 चम्मच। ऐड करेंगे इसमें कढ़ाई गोश्त मसाले का 1 चम्मच, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको करते हैं मिक्स। बगैर कवर किए 5 मिनट तक इसको मैं अच्छे से सब स्पाइसेस में भून लेती हूँ और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च और फिर हम इसको दम लगा देंगे। ज़बरदस्ती इसकी बनाई हो गई है। ऐड करते हैं इसमें शिमला मिर्चें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चॉपर में मैंने इसको ब्रीक साइज की कटिंग मैंने इनकी कर ली थी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको करते हैं मिक्स और कर देते हैं इसको कवर। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त इसकी आज हम कुकिंग करेंगे और आप जब भी इसको ट्राई करेंगे तो आपको इसको खाने में मज़ा आएगा। तो अभी हम इसको दम वाली आँच पे 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके इसको हमने रख देना। शिमला मिर्च कीमा बिल्कुल रेडी है। इसको हम थोड़ा सा और जायकेदार करने के लिए सूखी मेथी इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर खूबसूरती का धनिया ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको 5 मिनट तक मैं कवर करके रखूँगी और फिर हमारी आज की मज़ेदार सी शिमला मिर्च कीमा बिल्कुल रेडी है। रेडी है आज की शिमला मिर्च और चिकन कीमा और इसको ऐड करेंगे एक प्लेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मैं तो इसको खाने लगी हूँ पराठे के साथ और आप चपाती भी ले सकते हैं और नान भी इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।